नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले लंच की रेसिपी, घर पे इजीली बना सकते हैं। कुछ भी अगर नहीं है आपके पास तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों से लेके बड़ों को सबको पसंद आएगा। कॉर्न राइस इसके साथ साग की भाजी में बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए बनाते मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैस में मैं एक स्टैंड रख दिया हूँ। स्टैंड के ऊपर ऐसे टमाटर दो और एक प्याज और एक लहसुन को रख दिया हूँ। थोड़ी सी उसको भून लेंगे, मतलब गैस में ऐसे जला के। और ये देखिए अच्छे से भून गया है, तो उसको ना अभी निकाल दूँगी। लहसुन में एक ही जलाई हूँ, लेकिन उसको ना सारे इस्तेमाल नहीं करूँगी, थोड़ी सी रख दूँगी चटनी के लिए। और टमाटर और प्याज को सारे डाल दूँगी। तो अभी सारे निकालने के बाद गैस बंद कर दिया हूँ। और ये जो सामान को, मतलब टमाटर और प्याज को ना थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया हूँ। तो ये जो साग है, हमारी इधर कलमी बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, वही वाली मैं साग बना रही हूँ। और वो बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप खा रहे हैं या नहीं खाते हैं मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। मैं एक आलू को छोटा छोटा चक कर लिया हूँ और उस एक प्याज को भी चक करके रखा हूँ एक, और तीन से चार इधर लहसुन और तीन से चार हरी मिर्ची कट करके रखा हूँ। और जो प्याज और टमाटर को भुना था उसको अभी छोटा छोटा टुकड़ा कर लूँगी, टुकड़ा करके उसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो ग्राइंडर में पीसने से पहले ना एक मैं चम्मच इधर मिर्ची पाउडर डाल रहा हूँ। अगर आपके पास अक्खा मिर्ची है तो भी आप इसमें डाल के पीस लीजिएगा। इसके बाद कढ़ाई बिठा दिया हूँ, थोड़ी सी तेल डाल दिया हूँ और थोड़ी सी जीरा आधा चम्मच, थोड़ी सी कड़ी पत्ता। और इसके बाद कॉर्न, मैं जब टमाटर को भून रही थी ना तभी आप चाहे तो कॉर्न को भी भून सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्न को पहले से उबाल कर रखा था। तो अभी थोड़ा सा उसको निकाल के थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया हूँ। और इसके बाद ना जो टमाटर का पेस्ट डाल दिया हूँ, भुना हुआ बना टमाटर का, उसको ना थोड़ी सी अच्छे से थोड़ी सी भून लेंगे तेल में। तो ये देखिए। और इसके बाद हल्का सा नमक डाला हूँ मैं, आधा चम्मच, या फिर नमक स्वाद अनुसार आप इधर डाल सकते हैं। तो इसके बाद उसको अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद ना मैं इधर मैगी मसाला थोड़ा सा डाला हूँ। मैगी मसाला डालने से बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो अगर मैगी मसाला है तो आप ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आप इधर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इधर चावल डाल दिया हूँ। चावल इधर मैं बना के डाल रहा हूँ, अगर आपके पास कल का चावल रहेगा तो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे चीज़ को ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा इधर ना धनिया पत्ता डाल रहा हूँ, तो इधर कैंची से ऐसे डायरेक्ट काट के डाल रहा हूँ। अब आप छुरी से भी काट सकते हैं। तो ये देखिए सारे, मतलब धनिया पत्ता को डालने के बाद उसको भी थोड़ी से अच्छे से भून लेंगे, मतलब दो से तीन सेकंड के लिए उसको मिला लेंगे। और उसको मैं निकाल दिया हूँ। और उसी कढ़ाई में फिर से तेल, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा डाल के मैं इधर प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद मैं ऊपर से ही हरी मिर्ची डाला हूँ दोस्तों, क्योंकि पहले से डाल दूंगी तो घर पूरा महक जाएगा और बहुत खासी रहेगा, बच्चों लोग रहते हैं घर पे, तो इसके लिए मैं बाद में डाली हूँ। और इसके बाद आलू डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब थोड़ा सा नमक डाल के, स्वाद अनुसार नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको ढक्कन लगा के 80% तक उसको पकाएंगे। तो ऐसे मिक्स कर लिया हूँ मैं, बहुत ही हेल्दी रहती है ये दोस्तों, ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना बहुत ही हेल्दी रहती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आलू हमारा पका कि नहीं है। बहुत ही अच्छे से पक गया है और 80% तक पका लिया हूँ मैं। उसके बाद ना वो जो साग है उसको मैं उसको काट के धो लिया था, मतलब पहले से धो के उसके बाद काटा हूँ। काट के उसको एक जाली में रख दिया था। और इसके बाद ना तो दो से तीन मिनट उसको पकाने के बाद ऊपर से लहसुन जो कट करके रखा था ऊपर से डालेंगे। ऐसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त लगता है ये जो साग की भाजी।
आप अगर कैसे बनाते हैं तो इस बार ना ऐसी बनाकर देखिए, मस्त लगेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर बच्चों नहीं खाते हैं ना साग, ऐसी बनाएंगे तो बहुत मस्त से खा लेंगे। और उसी टाइम पे मैं रोटी थोड़ा सा भी सेक लिया था और चोली की भाजी सुबह बनाई थी तो मस्त बनी थी, बहुत ही टेस्टी भी बनी थी दोस्तों। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतनी हेल्दी है और इतनी टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों को छोड़िए, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, आगे जो भी मैं नया इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी। और जो भी इंग्रेडिएंट्स ले आऊँ सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उधर से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। बाय बाय।